उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए मिशन शक्ति अभियान के तहत LN पब्लिक स्कूल में मेगा इवेंट का आयोजन किया गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का भी सीधा प्रसारण किया गया। वहीं महिलाओं ने CM योगी को सुना। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं 100 बालिकाओं को साइकिलें भी वितरित की गयी। पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो हमारे विभाग में हैं, उनकी बेटियां जो पढ़ रही हैं, उनके लिए हमारी संत रविदास शिक्षा सहायता योजना है और उसी के अंतर्गत हम साइकिल इनको वितरित कर रहे हैं। कितनी साइकिल वितरित की गई? आज हमने 100 साइकिल वितरित की है 100 बेटियों को। तो सर, साइकिल वितरित करने के लिए महिला दिवस का ही दिन क्यों चुना गया? ये महिला हमारे लिए सम्मान का विषय है। आज के दिन हम अपनी बेटियों को सम्मानित कर रहे हैं साइकिल दे करके। श्रम आयुक्त सुभाष यादव ने बताया कि आज महिला दिवस के मौके पर जो श्रमिक श्रम विभाग में पंजीकृत हैं, उनकी बेटियां जो अभी पढ़ रही हैं, उन्हें संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत साइकिल देकर सम्मानित किया गया है और कुल 100 साइकिलें वितरित की गई हैं। उन्होंने बताया कि साइकिल वितरित करने के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन है इसलिए चुना क्योंकि महिलाएं हमारे लिए सम्मान का विषय हैं। आज के दिन हम बेटियों को सम्मानित कर रही हैं। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, SP हापुड़, सदर विधायक समेत विधायक गढ़ मुक्तेश्वर आदि अधिकारी मौजूद रहे।